2014 की दस्तक के साथ ही साल 2013 हम सबको अलविदा कह गया। सियासी तौर पर भी 2013 बेहद उतार चढ़ाव भरे रास्ते से गुजरा और कई लोगों के लिए तो बेहद खास भी रहा। 2013 कांग्रेस के लिए हैप्पी साबित नहीं हुआ। कर्नाटक के अलावा पार्टी के पास खुश होने की कोई खास वजह नहीं रही। जाहिर है दिल्ली भी हाथ से फिसलने के बाद दिलों का टूटना लाजमी था। कांग्रेस के अलावा बीजेपी में भी हालात बहुत पेचीदगी भरे रहे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का ऐलान होते होते कई चेहरों पर नाराजगी छा गई और कुछ लोग किसी बात पर किसी से खफा भी हो गए। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। साल 2013 राहुल गांधी के लिए खास रहा। राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष तो बनाया गया लेकिन फिर भी कोई करिश्मा नहीं हो पाया। लेकिन यूपी, राजस्थान और दिल्ली हारने के बाद भी राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव में कामयाबी की उम्मीद लगाए हैं। साल 2013 मोदी के लिए बेहद खास रहा। पीएम पद की उम्मीदवारी मिली, रैलियां कामयाब रहीं और कद लगातार बढ़ा। साल 2013 में नरेंद्र मोदी राजनीति के हीरो हीरालाल बनकर उभरे। साल 2013 भ्रष्टाचार के खिलाफ बने माहौल के लिए भी जाना जाएगा। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी। लेकिन इस बीच बनी आम आदमी पार्टी से अन्ना हजारे की नाराजगी भी किसी से नहीं छुपी। अन्ना के साथ मंच पर बैठकर जिन लोगों ने राजनीति में शामिल ना होने का करार किया था, उनका करार आखिर टूट ही गया। लेकिन अगर सवाल हो कि 2013 का किंग कौन, तो एक ही नाम जबान पर आता है और वो है अरविंद केजरीवाल, जो सियासत के राज संग्राम में झाड़ू को हथियार बनाकर उतरे तो बड़े बड़े सूरमाओं की खिड़की बंद गई और सबको ठेंगा दिखाते हुए अपनी जीतोड़ मेहनत से सीएम की कुर्सी पर जा बैठे और बन गए सियासत के सिंघम। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया।